नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। जैसे जैसे चुनाव का मतगणना संपन्न होते जा रहा है, वैसे वैसे ये जो प्रत्याशी के समर्थक हैं उनकी भीड़ खाली होते जा रही है। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल कम लोग बचे हैं और लगातार जैसे जैसे परिणाम घोषित होते जा रहा है, लोग अपने समर्थकों के साथ खुशियाँ मनाते उत्साह के साथ वापस लौट रहे हैं। कई प्रत्याशियों को बैरंग लौटना पड़ रहा है और इस वक्त हम चैनपुर का जो अभी तक का पंचायत परिणाम आया है उसके साथ हैं। नरसिंहपुर पथरा पंचायत से मीना देवी मुखिया का चुनाव जीत चुकी हैं, 1836 मत इन्होंने प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर गायत्री देवी हैं, 1070 मत लाकर ये दूसरे नंबर पर हैं नरसिंहपुर पथरा से गायत्री देवी जी। बराव पंचायत में अनीता देवी इस बार विजयी प्रत्याशी बनी हैं, अनीता देवी को 542 मत प्राप्त हुआ है, जबकि योगेश्वर चौधरी जी दूसरे नंबर पर हैं। योगेश्वर चौधरी जी 448 वोट लाए हैं। चैनपुर का बांसडी पंचायत से लाल बहादुर भुइयां 1045 मत लाकर विजयी प्रत्याशी बने हैं। सुनील कुमार भुइयां 786 मत लाकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि उरनार पंचायत में बेहद कम वोट से ही मुखिया की जीत हो गई है, क्योंकि वहाँ प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा थी। लिहाजा स्मृति देवी 445 मत लाकर विजयी प्रत्याशी बन गई हैं। स्मृति देवी उरनार की मुखिया बन चुकी हैं, 445 वोट वो प्राप्त की हैं। नमिता कुमारी दूसरे नंबर पर हैं, 383 मत लाकर वो दूसरे स्थान पर काबिज रही हैं। तो इस तरह से आपको जैसे जैसे पंचायत चुनाव का मतगणना सामने आते जा रहा है, परिणाम सामने आ रहा है, वैसे वैसे हम आपको कैपिटल न्यूज़ पर आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लगातार सिर पर सिर देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।